ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमें काफी कुछ चीजें अभी तक सीख चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीख चुके हैं, कुछ बोर्ड पर क्वेश्चन हमने लिख के रखे हैं और उनको बारी बारी से पढ़ा जाए। तो देखेंगे कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी सच दैट ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन थीटा बताना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दूसरा क्वेश्चन में एंगल निकालना है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज एक्यूट। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन पे, उन सारे तीनों क्वेश्चन पे एक्यूट ऑब्ट्यूज और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के बारे में बात की गई, और इन दो क्वेश्चन में कोई वेक्टर ए है तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर वेक्टर ए है कोई भी तो उनका क्रॉस फिर उसके मॉडुलस का स्क्वायर किया जाए, ए का वे वेक्टर का क्रॉस आई से और ए वेक्टर क्रॉस जे से और ए वेक्टर क्रॉस के से करने के बाद उनका स्क्वायर लें करें और फिर उसका मॉडुलस लें, मॉडुलस का सम करें क्या आता है। ये दो क्वेश्चन इस पर आधारित है, और उधर जो तीन क्वेश्चन है उनमें ये देखेंगे कि एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है और इनका क्या रोल है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब एंगल्स बिटवीन द वेक्टर हम लोग इसमें बात करते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बोला था एक बात हमने पहले ही बताई थी, जब डॉट प्रोडक्ट किया था तो वेक्टर जो है एक लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। वेक्टर क्या है तो लाइन सेगमेंट, मतलब सेगमेंट से मतलब होता है कि लेंथ, फाइनाइट लेंथ, लाइन मतलब लेंथ इनफाइनाइट, जब सेगमेंट एक टुकड़े की बात करते हैं तो लेंथ फाइनाइट, और डायरेक्टर मतलब डायरेक्शन विद द डायरेक्शन, ठीक। जैसे कि हमने बोला कि एक वेक्टर ये लाइन सेगमेंट द फाइनाइट लेंथ, जैसे कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इस टुकड़े से, मैग्नीट्यूड लेंथ से मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है, जब हमने इसको एरो दे दिया इसका मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम लोग वेक्टर को बुक्स में एज ए पेपर पे प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका बनाया गया कि वेक्टर को कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाए, एक आप एरो एक लाइन सेगमेंट बना दीजिए, ठीक है। तो अब हमने बोला कि अगर एक एरो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब सपोज ए वेक्टर ऐसे लिया गया और बी वेक्टर ऐसे लिया गया, तो हमें इनके बीच का एंगल डिसाइड करना है, हमें इनके बीच का एंगल डिसाइड करना है, ठीक है। तो हमने बोला कि दो सिचुएशंस को आप ध्यान रखेंगे, एक सिचुएशन ये है मतलब डाइवर्जेंट, बताया था कि रेज हमारी बाहर निकले, एक सिचुएशन ये है कन्वर्जेंट, मतलब रेज हमारी कन्वर्ज हो, लाइक हमने बोला था कि ये क्लास हो, सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग गलियों से आते हैं, एक जगह कन्वर्ज हो जाते हैं। सन की रेज, सूरज, सन मतलब सूरज, सूरज की रेज डाइवर्ट होती है, एक जगह से फैल जाती है, तो या तो एक फैल रही हो, रेज फैल रही हो, एरो बाहर जा रहे हो या एरो कन्वर्ट हो रहे हो, एक जगह पर आ रहे हो तो एंगल कंसीडर होगा। अब यहां पर देखा गया कि ना तो डाइवर्ट हो रहे हैं ना ही कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एरो अगर कन्वर्ट और डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर के सपोर्ट, एक सपोर्ट वेक्टर होता है उसी का पार्ट होता है, कोई वेक्टर हम अपने सपोर्ट वेक्टर का पार्ट होता है, मतलब सपोर्ट वेक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होता है, उसी से आपने कुछ भाग ले लिया उसका सपोर्ट वेक्टर, जो ये डॉट डॉट दिखाया गया इसको आगे बढ़ाया तो एक ये एरो, या इस तरह सपोर्ट वेक्टर इसका एरो, तो ये एंगल या तो ले लीजिए, ये एंगल सीधा अपोजिट एंगल जिनको बोलते हैं, तो ये एंगल या तो ये एंगल कंसीडर हो रहा है,
ठीक है, ये एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में लिया गया। जैसे हमने बोला ये दो दीज टू आर मार्कर्स, ठीक है, और ये ब्लैक जो है ये शो कर रहा है दे आर पॉइंटिंग दिस डायरेक्शन, दे आर पॉइंटिंग, हाँ तो डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो अब इनके बीच में एंगल देखा जाए तो अभी कितना एंगल है, जीरो। अब मतलब इस सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट, इस एरो और इस मार्कर के बीच में एंगल कितना है, जीरो। अभी एंगल बढ़ रहा है, 90 हो गया, कितना हुआ, 180। हाँ, जीरो से बढ़ता चला गया 90 और ये 180। अब ऐसे ही कर लिया गया तो ऐसे ले लिया गया, या अब ऐसे लिया तो ये एरो ऐसे ऐसे फिर ऐसे लिया। देखो अब ये यहां समझ आ रहा है कि एंगल अब ये ना लेके ये वाला ना लेके कौन सा लिया जाएगा, तो जब भी ऐसे इस 180 से ज्यादा बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक फिर 180 से कम हो जाएगा और जाके फिर क्या होगा, जीरो। तो एंगल हमेशा थीटा जो होगा वो जीरो टू 180 मतलब पाई, ठीक है। अब इसको मतलब यहां से यहां तक मतलब 90 से कम, ये 90 डिग्री, 90 से कम एक्यूट और ये 90 से अधिक 180 तक, दैट इज ऑप्टिम्स। तो तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया, तीन भागों में डिवाइड किया गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब 180 से ऊपर नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, तीन पार्ट डिवाइड किया गया है जब लेस देन 90 मतलब पाई बाई टू से छोटा या जीरो के बराबर। एक ही रटा करिए, थीटा तो पाई बाई टू है और ग्रेटर देन पाई बाई टू और लेस देन इक्वल टू पाई, 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से कम का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका मतलब एक्यूट, इसका मतलब क्या, एक्यूट। इसको 90 से कम जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, छोटा न्यून कोण, 90 से कम जीरो से या जीरो के बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करते 90 डिग्री। लोगों को लगता है 90 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट ना फर्स्ट में आता ना सेकंड में आता है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन उसको वाई एक्सिस क्या 90 डिग्री कंसीडर करती है। तो ये ना फर्स्ट में ना सेकंड, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा 90 है, राइट एंगल, ठीक है, यानी ए और बी एक दूसरे के क्या है, हाँ सपोर्ट है ना, ठीक, वेक्टर एक दूसरे के क्या है, हाँ एक दूसरे के राइट एंगल 90 डिग्री पर है। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसको बोलना है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। अब ये हमने पहले ही आपको बताया डॉट, जब भी करते ए डॉट बी फॉर्मूला क्या आता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस लेते हैं तो कैसा होगा, वो मॉडुलस क्या करता है भाई, पॉजिटिव लेंथ मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव निकाल लेंथ हमेशा कैसी रहेगी, मॉड बी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, कॉस थीटा बचा, तो मतलब ये चीज हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव, इसका तो कोई दोष नहीं है। अब ये कॉस थीटा ही, ठीक है, कॉस थीटा अगर जीरो हो गया तो सबका बैंड बजा देगा, क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कॉस थीटा नेगेटिव हो गया सब कुछ नेगेटिव, तो ए डॉट बी डिपेंड करेगा। तो कॉस थीटा जब भी थीटा 90 है तो कॉस थीटा क्या होगा, जीरो, जीरो, ए डॉट बी क्या होगा, जीरो। एक रिजल्ट निकल गया है, जब भी
परस्पर एक दूसरे के वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के राइट एंगल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ, जब भी थीटा दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल पाई बाय टू है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लीजिए कि बताया कि भी गया था, कलम ने बताया था कि वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए आई प्लस टू जे प्लस थ्री के ऐसा कुछ लिया था, वेक्टर बी आई प्लस एक्स जे प्लस थ्री के, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो डॉट क्या करेंगे? डॉट करके एक्स निकल आएगा, हैं? डॉट करके एक्स निकल आएगा, बोलो भाई, डॉट करके उसको जीरो करेंगे तब आएगा एक्स, डॉट करने से नहीं एक्स आएगा, डॉट क्या किया जाएगा? जीरो करना पड़ेगा, ए डॉट बी जीरो करेंगे, जीरो करके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक? अब एक्यूट है, यानी मान 90 से कम, कॉस थीटा कैसा होता है यहाँ पर भाई? पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में कॉस थीटा पॉजिटिव, मॉड ए पॉजिटिव, मॉड बी पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, तीन नंबर पॉजिटिव, उनके नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, ए डॉट बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को बिन सिंबल कैसे लिखते हैं हम, इनइक्वालिटी में कैसे लिखते हैं? अरे कैसे लिखते हैं? ग्रेटर देन जीरो, ए डॉट बी जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर? अगर जीरो से बड़ा कोई भी नंबर है माना गया है, मैथ्स में मानते हैं हम लोग, जीरो से बड़ा नंबर मतलब पॉजिटिव, जीरो के बराबर, और जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव। हाँ, तो पॉजिटिव मतलब ए डॉट बी पॉजिटिव, ओवरऑल निकल गया है कि जब भी एक्यूट होगा तो हमें दिमाग रखना है कि ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, थीटा 90 से कम, लेस ग्रेटर देन ग्रेटर देन, हाँ थीटा 90 से कम है, पर ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, तो थीटा 90 से कम है, इससे आपको ये याद रखना है कि थीटा 90 से कम है बट कॉस थीटा पॉजिटिव है, और कॉस थीटा पॉजिटिव है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव। अब यहाँ पर कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, cos थीटा सेकंड क्वार्टर में कैसा होता है? नेगेटिव। ए डॉट बी कैसा होगा? नेगेटिव, लेस देन जीरो, ए डॉट बी लेस देन जीरो, तो ए डॉट बी जीरो होगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो होगा, ए डॉट बी लेस देन जीरो होगा, ये मॉडुलस डिसाइड करेंगे या क्या डिसाइड करेंगे? ना cos थीटा नहीं, उनके बीच का एंगल, कोण जो बोल रहे हैं, उनके बीच का एंगल ही डिसाइड करेगा कि ए डॉट बी कैसा होगा, ए डॉट बी जीरो हो, ए डॉट बी पॉजिटिव हो, ए डॉट बी निगेटिव हो, उनके मॉडुलस, उनके परिमाण, उनकी लेंथ डिसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच का एंगल, वो एक दूसरे के परस्पर कैसे झुके हुए हैं, एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इस चीजों को हमने कैटेगराइज किया, तीन भागों में डिवाइड किया, तो इन तीनों चीजों को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो उसने बोला कि यहां पे पहला क्वेश्चन लिया जाए, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, और ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो पागल, ग्रेटर देन घूमे सालों में ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, सब में घोड़े गधे में अंतर नहीं आता, ग्रेटर देन जीरो का अलग बात है, ग्रेटर देन मेरे पास 100 या 100 से अधिक है, तो इसके मैं यही बोलूंगा ना, मेरे पास 100 या 100 से अधिक है, 100 है वो भी सकते हैं या 100 से, तो दिमाग नहीं चल पाता है, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब ए डॉट बी, तो थीटा कैसा होगा यहाँ पे? पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव, एक्यूट, थीटा 90 से कम, पाई बाय 2 से कम और 0 के बराबर, और यहाँ पर पाई बाय 2, पाई बाय 2, और दोनों को मिलाएंगे थीटा पाई बाय 0 से बड़ा बराबर और पाई बाय 2 से बड़ा है बराबर, पाई बाय 2 से बड़ा है, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है? ये इसकी वजह से आया, अगर ये ना होता
हमने बोला कि ये ना होता तो ये होता, ये नहीं होता तो ये होता, ये नहीं होता तो आंसर क्या होता, ये होता। तो सही बात की नहीं, तो ये है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है, समझ रहे हो? खोपड़ी जा रहे हो, फिर वहां खोपड़ी ध्यान रखे आ जाते हैं। जब इक्वलिटी होगी 90 डिग्री में पाई बाय 2 पर, तो मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो ग्रेटर देन 0 होगा तो वहां पे इक्वलिटी नहीं होगी, ऑप्शन चेंज हो जाएगा। तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 एक अलग क्वेश्चन हो गया, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब उसने बोला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी पहले करके देखे, इसको माने ए इसको माने बी, तो करके देखा आई का आई से जाएगा तो ये हो गया 4, ये माइनस 3 और माइनस 1, ए डॉट बी क्या हो गया 0, और जब भी a dot b 0 होता है a perpendicular to b यानी theta pi by 2 right angle means is not a triangle, ठीक है? दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है perpendicular है, right angle बना रहे हैं 90 degree, ठीक है? तो angle between the vectors we can determine easily by this formula। ठीक, अब लास्ट वाला क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज एक्यूट, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है acute. क्या इंटरप्रेट हो रहा है इसे, क्या इंप्लाइज कर रहा है ये चीज, एंगल है जो वो 90 से छोटा है, पागल है क्या? मतलब ये द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज एक्यूट, इंप्लाइज इंप्लाइज व्हाट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, अबे राइट एंगल एक अलग चीज है 90 डिग्री, एक्यूट मतलब न्यून कोण 90 से छोटा, न्यून कोण क्या होता है एक्यूट 90 से छोटा, हाँ तो ये इंप्लाइज वेक्टर में करता है, ये कोई हम लोग एंगल नहीं पढ़ रहे कि एंगल क्या होता है, यहाँ पढ़ रहे हैं कि दो वेक्टर अगर के बीच में एक्यूट है तो दिमाग में क्या होना चाहिए, एक्यूट है तो क्या बनना चाहिए, ग्रेटर देन 0, राइट एंगल है तो ए डॉट बी 0, ठीक है, ऑब्टिक्स है तो ए डॉट बी लेस देन 0, ठीक। मैंने कहा एंगल क्या होते हैं, ठीक है, वो एंगल कैसे मेजर करते हैं, क्या होते हैं, वो वहां पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन यहां पर लाएगा, तो अब सीधे सीधे आपको इंटरप्रिटेशन की, दो वेक्टर्स के बीच में एक्यूट मतलब ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ए डॉट बी इक्वल टू 0, दो वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज ए डॉट बी लेस देन 0, समझ में आई बात की नहीं? तो इनका डॉट करिए, डॉट करके लेस कर दीजिए, तो इसका ऐसे होगा 2, अबे आई 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 डॉट आई क्या होता है, आई क्या आई 1, जान निकल गई तुम्हारी 1, जीरो या वन, हाँ जीरो कब होगा जब आई क्रॉस आई हो, हाँ या तो आई क्रॉस आई हो तो जीरो वेक्टर होगा, या आई डॉट जे होगा तो जीरो होगा, आई डॉट आई वन होता है, तो इसका ऐसे करेंगे 2x² - 3x + 1, एक्यूट मतलब ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर इसके फैक्टर कर लेंगे 2x² - 2x - x + 1 > 0, 2x कॉमन x - 1 - x 1 कॉमन कॉमन x - 1 ग्रेटर देन 0 2x - 1 और x - 1 ग्रेटर देन 0 इक्वलिटी जिनको आती हो यहां 1/2 यहां 1 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव रीजन चाहिए ये और ये मतलब इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स या तो 1/2 से छोटा और 1 से बड़ा, या तो ये इस रीजन में जाएगा 1 से बड़ा एक्स रहेगा या इस रीजन में रहेगा 1/2 से छोटा रहेगा, ठीक है?
समझ आई बात की नहीं?